अपेक्स बैंक के एमडी भोलाराम के घर पर सर्च, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुआ सर्च। जुनू एसीबी की टीम ने 7 घंटे तक किया सर्च। खेतड़ी के मांदरी गांव में है भोलाराम का पुश्तैनी मकान। सामलाती मकान में भोलाराम के हैं 2 कमरे, दोनों कमरों पर मिला ताला। एसीबी के पहुंचने के बाद ताले खोले, सर्च में क्या मिला इसका नहीं हो पाया है अब तक खुलासा। जयपुर और जोधपुर में भी किया गया था सर्च। 3 जगहों से 7 भूखंडों के कागज, सोने चांदी के आभूषण मिले। इसके अलावा चल अचल परिसंपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। सर्च में सामने आया पत्नी के नाम से खींवसर नागौर में पेट्रोल पंप, वहीं एक होटल का भी चल रहा है निर्माण कार्य। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर अपेक्स बैंक के एमडी भोलाराम के 4 ठिकानों पर बुधवार को एसीबी ने जयपुर, जोधपुर और झुंझुनू पर सर्च किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह सर्च किया गया। इसी क्रम में झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के मांदरी गांव स्थित भोमाराम के पुश्तैनी मकान पर भी झुंझुनू एसीबी की टीम एएसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में पहुंची। करीब 7 घंटे तक भोमाराम के मकान पर सर्च चला। बताया जा रहा है कि इस मकान में भोमाराम के 2 कमरे हैं, जो एसीबी की टीम पहुंची तो लॉक मिले, लेकिन बाद में परिजनों ने उनके ताले खोले तो एसीबी ने सर्च किया। झुंझुनू एसीबी की टीम को इन मकानों से क्या मिला ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन एसीबी मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 4 जगहों पर बुधवार को की गई सर्च के दौरान 7 भूखंडों के पट्टे, सोने चांदी के आभूषण, चल अचल परिसंपत्तियों के दस्तावेज व बैंक खाते मिले हैं। इसके अलावा सामने आया है कि भोमाराम की पत्नी के नाम से खींवसर नागौर में एक पेट्रोल पंप है, वहीं नागौर में ही एक होटल निर्माणाधीन है। एसीबी मुख्यालय की माने तो जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक भोमाराम और उनके परिजनों के नाम से अनेक परिसंपत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जिनकी बाजार की कीमत करोड़ों में है। साथ ही एसीबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो चल व अचल परिसंपत्तियां मिली हैं वे वैध आय के अनुपातिक रूप से अधिक हैं। इधर एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर हाउस सर्च किया गया था। जो भी रिपोर्ट है वो मुख्यालय को भिजवाई जा रही है।